No means no. जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, इस बंदे के लिए ताली मारो। ये बंदा कुछ ऐसा दिखता है इंस्टाग्राम में, मुझे पता नहीं ये है या नहीं है, पर इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा दिखता है और इसको लगता है ये मर्द है, पर इसके टेक्स्ट से मुझे लगता है कि ये ना मर्द है, क्योंकि कोई भी मर्द ऐसा तो टेक्स्ट नहीं करता, किसी भी लड़की को ऐसा डीएम नहीं करता, ठीक है। तो जो भी लड़की ये वीडियो देख रही है, जो भी लड़की, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और लड़का भी देख रहे हो, कोई भी लड़का देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, पर लड़की प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, प्लीज़। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस लड़के से, जिस लड़के ने इस लड़की को ऐसा डीएम किया है, भाई तेरे घर में भी माँ और बहन है, ठीक है। नहीं नहीं मैं गाली नहीं दूंगा तुझे, तुझे देखना है ना ये सब, इसका पिक देखना है तेरे को, ठीक है। तो एक काम करना, माँ या बहन को पूछ लेना पिक के बारे में, ठीक है, मिल जाएगा तेरे को, क्योंकि इस लड़की का जो बॉडी टाइप है, तेरा माँ का भी वही बॉडी टाइप है, सेम बॉडी पार्ट्स है, सेम है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, सेम है भाई, तू देख सकता है, देख लेना, ठीक है। तेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तू किसी और को मत देख, किसी और को हैरेस मत कर, तू अपने माँ को देख ले, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और तू हाँ है ना मर्द, जो उखाड़ना उखाड़ लेना तू, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप सभी ने मनीषा का नाम तो सुना ही होगा, अच्छा नहीं सुना है, मनीषा वाल्मीकि, चलो कोई नहीं, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो मैं बता देता हूँ आपको, हमारा जो इंडियन मीडिया है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि देश में किसका क्या हो रहा है, किसके साथ रेप हो रहा है, किसका मर्डर हो रहा है, इंडियन मीडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, इंडियन मीडिया को बस फ़र्क ये पड़ता है कौन सा सेलिब्रिटी ड्रग्स ले रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी का किसके साथ चक्कर चल रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी कहाँ घूमने गया है, इंडियन मीडिया को यही चाहिए, यही दिखाना है बस, और हम ऑडियंस को भी यही देखना है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यूपी में हथरास नाम के जगह पे एक 19 साल की बच्ची, 19 साल के लोग बच्चे ही होते हैं, छोटे होते हैं बहुत, 19 साल की एक बच्ची मनीषा वाल्मीकि नाम का, उसके साथ रेप हुआ है, और एक नहीं दो नहीं, कुछ चार या पांच लोगों ने मिलकर किया है। यार मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिया गया है, उसका नेक तोड़ दिया गया है, पैर तोड़ दिया गया है, और जितने सुनने को आया उसको घसीटते हुए लेके गया था। मतलब जिन्होंने भी ये किया है, सोच देख रहे हो उन इंसानों का, कितना ऊपर कितना ऊंचा सोचता होगा ना वो लोग। मैंने ये चीज़ जब एक मीम पेज में पढ़ा था, पहले तो किसी भी न्यूज़ चैनल में मैंने ये नहीं देखा था, मीम पेज में देखा था, तो गूज़बम्स आ गया था, अभी भी मैं जब बात करूँ मेरा गूज़बम्स आ गया, आपको दिख नहीं रहा होगा पर गूज़बम्स आ गया है। मतलब कैसे कोई ऐसा कर लेता है, एक बच्ची को जिसका कोई गलती नहीं था तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, और जो कर रहे उनको तो थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे और एक चीज़ सुन के बहुत ही ख़राब लगा है, वो कि ये जो कि यूपी के जो पुलिस थे, उन्होंने उस लड़की का बॉडी को बिना फैमिली से पूछे रात में जला दिया था, बिना किसी फैमिली मेंबर से पूछे। वाओ, किसको बचाने का चक्कर है, मुझे नहीं पता किसको बचाने का चक्कर है, पर यार ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी ऐसा फील होता है, मैं खुद को लड़का बोलने से मुझे शर्म आता है, ठीक है, क्योंकि कैसे कोई लड़का ऐसा कर सकता है, कैसे ऐसा कर सकता है, हमारे घर में भी माँ है बहन है, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो हम बाहर के लोगों को भी इज्जत करना चाहिए हमें, कैसे कोई ऐसा कर लेता है यार। आज से कुछ 6 या 8 साल पहले दिल्ली में निर्भया का केस आप सबने सुना ही होगा, तो निर्भया का जो रेपिस्ट था, जो गुनहगार था, उसको 6 या 8 साल बाद सजा मिला था। वाओ, इतना जल्दी, 6-8 साल बहुत कम टाइम है यार ना। यार एक बार सोचो, जो निर्भया का माँ या पापा थे वो डेली मरे हैं यार, इस चीज़ में डेली मरे हैं। एक रेपिस्ट तो 6-8 साल आराम से मजे से जेल में था, खाना खाया, आराम से पानी पिया, पर निर्भया का माँ बाप का मुंह से शायद पानी या खाना तक नहीं गया होगा। मुझे मुझे इन चीज़ों में उतना कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि
मैं इंटरनेट से कुछ नहीं कर सकता, मैं यूट्यूब में आके कुछ भी बोल के कुछ नहीं कर सकता, ना आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस मुझे एक ही चीज़ कहना है कि ये कब रुकेगा, मुझे ये चीज़ जानना है ये कब रुकेगा, क्योंकि हर दिन रेप होता है, हर दिन कुछ घंटे में रेप होता है, किसी किसी स्टेट में 3 घंटे 4 घंटे में रेप हो रहा है। डर लगता है यार मेरे बहन को या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर को अकेले बाहर जाने देने में, सच में डर लगता है यार। और मुझे उन लोगों का समझ नहीं आता यार, मतलब जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, क्यों उनके घर में कोई लड़की नहीं है क्या, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुलिस वाले जिन्होंने लाश जला दिया, उनके घर में लड़की नहीं है, कल उसके साथ हो जाए तो क्या करेंगे, और जो लॉयर इनके लिए केस लड़ते हैं उनको इतना सा भी शर्म नहीं है। जो चीज दिखाई दे रहा है कि रेप किया गया है, उनको मतलब बचाने का कोशिश कर रहे हो। वाह यार सही है यार, ऐसे ही तो इंडिया महान बनेगा ना, ऐसे ही। एक तरफ तुम देवी की पूजा करोगे और एक तरफ तुम देवी की रेप करके उसे जला दोगे, उसे मार दोगे। वाह ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है ना। लड़के यार लड़के है यार, कुछ भी करेंगे बच जाएंगे। ये सोच बदलना होगा पहले तो। देखो अब इस चीज के बारे में बात करते, ये हो क्यों रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि लोगों का जो सोच है ना वो बहुत खराब है। आप पहले ये देख लो, तो ये एक लड़की का स्टेटस है, स्टोरी है, व्हाट्सएप स्टोरी, मुझे एक फ्रेंड ने भेजा है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रेप बहुत सारी कंट्री में मतलब नॉर्मल है, होता है, पर इनडायरेक्टली होता है, यहाँ पर डायरेक्टली होता है। मतलब गांजा खा के पैदा किया क्या तेरे माँ ने तेरे को, कि रेप कॉमन कैसे है, रेप मतलब क्या बात कर रहा, पागल है क्या, रेप कॉमन है। जो तू बात कर रहा है उसे म्यूचुअल सेक्स बोलते हैं, जो इंडिया में भी होता है, ठीक है। अगर दो लोग राजी है तो सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है। रेप मतलब क्या होता है, अगर तुम शादीशुदा भी हो और तुम्हारे पत्नी तुम्हें मना करती है तो तुम्हें रुकना होगा, वरना उसे रेप कहा जाता है। ना मतलब ना, ना का मतलब ना ही होता है। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो। And when someone says so, you stop. मुझे मतलब कुछ लड़कों का तो छोड़ो, लड़कों का तो लड़के रेप कर रहे हैं, जो लड़की रेप कर रही है, लड़की भी रेप कर दी पहला बात, ठीक है, तो उनका सोच छोड़ो। पर कुछ लड़कियों का सोच ये है कि उसने शॉर्ट्स क्यों पहना था। अरे यार क्यों नहीं पहनेगी वो शॉर्ट्स, कैसा बात है यार, मतलब क्या बात कर रहे हो तुम लोग। 2 महीने का बच्चा डाइपर में होते हैं, उनका रेप होता है, अब क्या उनका पैदा होना ही गलत था। कुछ भी ड्रेस लेके कुछ भी मत बोला करो। हाँ कभी कभी कोई ऐसा ड्रेस पहन लेता है जो कि नहीं पहनना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो खुद अनकंफर्टेबल फील करती है, नहीं पहनना चाहिए। पर ये एक्सक्यूज तो बहुत गलत एक्सक्यूज है ना कि उसका ड्रेस खराब था। वैसे तो लड़के भी नंगा घूमते, बहुत सारे लड़के ऐसे जो नंगा घूमते, उनके साथ तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो लड़का है ना। सोच बदलो, पहला चीज तो सोच बदलो, क्योंकि ड्रेस से रेप नहीं होता, ठीक है। और दूसरा चीज, जो हमारा कानून है देश का उसे बदलना होगा। पर हमारे देश में कुछ लड़कियां ऐसी है जो इस चीज का फायदा उठा रही है, पक्का एकदम श्योर बात है, तुम भी रेपिस्ट से कम नहीं हो, तुम्हें पता है, तुम इस चीज का फायदा उठा रही हो किसी लड़के को फंसाने में। वो सरबजीत वाला केस बहुतों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। और ये तीनों को देख लो, इन बिचारों का क्या गलती था, ये लड़का था, ये गलती इन लोगों का। ऐसा लॉ आना चाहिए कि जो रेपिस्ट हो, अगर पता चले कि रेप हो रहा है, रेप हुआ है, अगर पता चले कि रेप हुआ है, उसी वक्त उसे ऐसा मौत दो और सबके सामने दो कि उसका चीखना लोगों का कानों तक जाए और दिल में बैठ जाए और लड़कियों को छूने से भी डरे। और सेम टाइम में ऐसा भी रूल होना चाहिए, अगर कोई लड़की किसी लड़के को गलत रेप केस में फंसा रही है, सेम सजा, सबके सामने सेम सजा देना चाहिए।
लड़का और लड़की में भेदभाव मत करो, सजा सेम दो, दोनों के लिए दो। लड़का जब ऐसा करेगा तो वो चीख कान में जाए और दिल में बैठ जाए और सबकी फट जाए लड़कियों से छूने के लिए या फिर गलत व्यवहार करने के लिए, और लड़कियों के साथ भी सेम, ताकि ना कोई गलत रेप का एलिगेशन दे सके ना कोई रेप कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेप रोकने के लिए, पहले तो एजुकेशन सिस्टम चेंज करो, क्योंकि लोगों को लगता है, ऐसा लगता है कि लड़की बनी है सेक्स के लिए, ये गलत है। एजुकेशन सिस्टम चेंज करो। पॉर्न, जो पॉर्न दिखता है, जो वेब सीरीज है, आजकल के कुछ सब नहीं, कुछ वेब सीरीज ऐसे है, कुछ बॉलीवुड मूवीज ऐसे जिसमें पूरा दिखाया जाता है कि लड़की जो बनी है सेक्स के लिए बनी है, ठीक है। और इसी चीज से जब रियल वर्ल्ड में कोई लड़का किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है सेक्स के लिए और वो मना कर देती है, तो लग जाता है ईगो में कि यार कैसे मुझे मना किया इसने, कैसे, क्योंकि वो तो लड़का है ना। बैन छोड़, पहले तो यार जो पॉर्न बैन हुआ था उसके पीछे लोग गवर्नमेंट को बहुत कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या देखना है उन्हें। सेकेंड चीज़, जो वेब सीरीज है जिसमें दिखाया जा रहा है कि लड़की खिलौना है, ऐसे चीज़ों को तो पहले बैन करो। जो ये सब लिख रहा है उनका दिमाग सोचो यार, ऐसे कैसे लिख रहे हो तुम लोग। मैं एक्टर को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि एक्टर का काम है एक्टिंग करना, जो उन्हें कहा जाएगा वो वही करेंगे, पर जो राइटर है, वाह यार क्या सोच है तुम्हारा, वाह यार बहुत अच्छा सोच है। ऐसा कभी भी नहीं रुकने वाला, कभी भी नहीं रुकने वाला जब तक ये सब चीज़ें बंद नहीं हो जाती, जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो जाता, हमें मेडिटेशन करना ना आए, हमारे दिमाग में हमें कंट्रोल ना हो, हमारे दिमाग से हमारा कोई कंट्रोल ना हो, तब तक ये सब नहीं रुकने वाला। और सजा तो बहुत भयंकर होना चाहिए यार, बहुत भयंकर, कि मैंने कहा ना, ऐसा सजा दो कि फट जाए, लड़कियों से बात करने में फट जाए, ऐसा सजा होना चाहिए। बाकी मुझे यूपी के जो सीएम है योगी जी, उनके बारे में तो बहुत सुना है कि बहुत डेयरिंग है। रिसेंटली गाड़ी उड़ गया था, याद है आपको, गाली पलट गया खुद अपने आप ही। तो मुझे अब जानना है कि आप क्या कर सकते हो और कितना जल्दी कर सकते हो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे 100 लोगों से सिर्फ ये बोलो, लाइक करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो ना करो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो के लिए, पर प्लीज़ 100 लोग, मिनिमम 100 लोग ट्विटर पे जाके #justiceformanisha प्लीज़ लिखना, और साथ में योगी जी को मेंशन ज़रूर करना, प्लीज़ बहुत ज़रूरी है। हम शायद घर से कुछ ना कर पाए, पर हम एक छोटा सा ट्वीट कर सकते हैं, शायद इससे कुछ ना हो, कुछ शायद कुछ भी ना हो, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना गाइस, प्लीज करते हैं। बहुत, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, मुझे पता नहीं चलता, गुस्सा आता है या मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मुझे दिख रहा है बहुत गलत हो रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बहुत बुरा लगता है।